ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये एक पहला इंडो स्पेनिश गाना है जो इंडिया में लॉन्च हुआ, और इसका आधा पार्ट जो है इन्होंने मेक्सिको में शूट किया और जो आधा पार्ट है वो हमने राजस्थान में शूट किया, जिसकी लाइन प्रोड्यूसर रबेका चंगीजा है एंड सुरेश जी इज द सिनेमेटोग्राफर फॉर दिस वीडियो। तो ये हमने टोंक के आसपास जाके शूट किया था, और जब इन्होंने स्टोरी बनाई थी इसमें काफ़ी कुछ अभी एडिटिंग में था नहीं, इनके लिए आती हैं और कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, फिर ये हीरो उनको बचाता है, तो एक लंबा चौड़ा गाना था, लेकिन बाद में फिर शायद एडिटिंग में उन्होंने उस पोर्शन को नहीं रखा। Actually, challenging in sense, it was very welcoming for us, because Rebeca, she's a very dear friend, old friend, and when she, you know, like share upon her, you know, like vision to do something, you know, like extraordinary in India. So that itself was very interesting, and we thoroughly enjoyed, you know, like, and we got to learn lots of things from her also. The location was marvelous. For me, at least, that was the first time I went to Rajasthan as well. So, yes, the dictions that he used, the pronunciation that he used, and then the, you know, like the idea that she has, I mean, that was actually marvelous. So have you made this album for a global audience, because it doesn't look like it's just for the Indian people? Of course, of course. She is a very good singer, model and actress. हमने एक पिक्चर भी बनाई थी, वो अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें she has acted also. And जब ये उन्होंने गाने का उन्होंने पहले भेजा, इनफैक्ट यहाँ पे मनीष जी हैं, उन्होंने कोरस में भी he has given his voice in the male voice, वो भी शायद यहाँ पे आए हुए हैं. एंड फिर उसको हमने यहाँ ला के कुछ मिक्सिंग किया, और जब वो ये आइडिया जनरेट हुआ तो मेरे एक फ्रेंड है यसर भाई जो राजस्थान के, तो हमने बोला ये जैसलमेर में चाह रही थी कि जैसलमेर उसमें वर्ड आया हुआ है, एंड शी वांटेड कि वहाँ जाके किए, तो हमने ड्रोन वगैरह ये सब यूज़ करके जो पॉसिबल था, तो हर आइडियाज वर वेरी यूनिक, इनका डिफरेंट है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अब्रॉड, तो इनका थिंकिंग और हमारे थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस है, एंड वो एडिटिंग में भी दिखता है, बिकॉज जो हम व्हेन वी डिसाइडेड टू शूट तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी जो इसमें नहीं आई, लेकिन जो बना है दैट वी आर वेरी हैप्पी विद द एंड प्रोडक्ट। आपका कैसे अनुभव?